हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ज्ञान का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, ज्ञान का मंदिर यानी शिक्षालय। दोस्तों, विद्यालय, शिक्षालय, इसे जो भी हम कहें, लेकिन ज्ञान का जो मंदिर है उसके दरवाजे दोस्तों खुलने वाले हैं। ऐसा संकेत दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जी हाँ दोस्तों, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा की मुख्यमंत्री ने ली बैठक और आदेश जारी किया। उनकी अध्यक्षता में आहूत मीटिंग में ये दोस्तों सर्वसम्मत से तय हुआ कि जुलाई से खुलेंगे स्कूल और शिक्षक निपटाएंगे विभागीय कार्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है कि विद्यालय जुलाई से दोस्तों खुल जाएंगे। केवल बेसिक ही नहीं, इंटर कॉलेजेस एंड डिग्री कॉलेजेस भी खुलेंगे। तो आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। लखनऊ से न्यूज़ है और बात करते हैं कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी 1 जुलाई से और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 जुलाई से स्कूल जाएंगे। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सोमवार शाम बेसिक माध्यमिक और उच्च प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में लिया गया। वहीं मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी ने बताया कि जुलाई में विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में नहीं बुलाया जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी। बैठक में स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन ही प्रवेश की व्यवस्था करने, प्रवेश के लिए शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों अभिभावकों को बुलाकर अनावश्यक भीड़ जमा नहीं करने पर निर्णय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक चारों शिक्षा विभागों ने जुलाई में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान नहीं खोलने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल जाने का निर्देश मिल गया है। जहां बेसिक के टीचर्स 1 जुलाई से ही विद्यालय में आएंगे और विभागीय कार्य को निपटाएंगे, वहीं माध्यमिक के शिक्षकों को 6 जुलाई से विद्यालय जाने का निर्देश दोस्तों मिला है। बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी जी ने कहा कि शिक्षकों के लिए परिषदीय विद्यालयों को 1 जुलाई से खोला जा रहा है। शिक्षक निःशुल्क यूनिफॉर्म, मिड डे मील का अनाज वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए जो संसाधन और सुविधाएं आवश्यक हैं उन्हें जल्द ही जुटाएं। उन्होंने स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और हाथ धोने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोन्नति का अच्छा फार्मूला तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, हो जाएं तैयार, क्योंकि खुलने वाला है 1 जुलाई से बेसिक के स्कूल सारे, और माध्यमिक में भी स्कूल का खुलने का आगाज हो चुका है। आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, स्कूल प्रांगण में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूर कर लें, खुद को और वातावरण को सैनिटाइज करें, क्योंकि कोरोना नामक वैश्विक महामारी कब किसके गले पड़ जाए दोस्तों कोई नहीं जान सकता है। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।